हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। यानी आपकी कौन सी विश है, कौन सी इच्छा है जो आप प्रे कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे या डीप डाउन कहीं ना कहीं चाहते थे। तो देखते हैं कि कौन सी आपकी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर सुनना है। यह रीडिंग सभी जोड़ियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। यानी जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ, सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। एक बात का ध्यान रखें व्यूअर्स, कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में आपको कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर देता है, तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं देती हूँ और ना ही मैंने यूट्यूब पर कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। ओके व्यूअर्स, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ओके, 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 नाइस। तो व्यूअर्स, पहली चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये है कि बहुत कुछ एंड होने वाला है या इस वक्त हो रहा है करेंटली आपकी लाइफ में। ओके, ये एक ऐसा फेज चल रहा होगा आपकी लाइफ का जो बहुत अनस्टेबल होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, यू आर इन टू स्टडीज़, और अगर आप अपने करियर के लिए कुछ हार्डवर्क कर रहे हैं, या इवन इफ इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और योर हेल्थ, योर फैमिली, तो इट कैन बी एनी थिंग। बट कुछ ऐसा फेज चल रहा है आपकी लाइफ में जो अनस्टेबल है, यानी कि स्टेबल नहीं है लाइफ इस समय आपकी, फिर चाहे किसी भी एरिया को ले लीजिए आप। तो ऐसा लगता है कि वो स्टेबल इसीलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब एंड हो रही हैं। ओके, ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई कार्मिक साइकिल है जो एंड हो रही है। यानी कि कुछ लोग ऐसे जिनके साथ आपका कार्मिक कनेक्शन था, अब वो लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। दैट्स अ डिफरेंट मैटर कि आप उन्हें जाने के लिए कहेंगे, आप उनसे अलग होने की कोशिश करेंगे, या वो लोग आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे। बट इट्स ऑल अबाउट कि ऐसी एनर्जी या ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिलीज हो रहे हैं जिनका आपके साथ कोई कार्मिक कनेक्शन था, या उन लोगों का कार्मिक कनेक्शन होने की वजह से आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, या कंफ्यूज थे अपनी लाइफ में, या स्टक थे अपनी लाइफ में बिकॉज ऑफ सम पीपल और सम सिचुएशन, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें एंड हो रही हैं, कार्मिक साइकिल एंड हो रही है। अगर कोई डार्क फेज भी चल रहा था, आर्थिक तंगी, या दिल आपका टूटा हुआ था, या कह लीजिए किसी ने चीटिंग की थी, धोखा दिया था, तो अगर ऐसा कोई डार्क फेज भी था, तो ऐसा लगता है कि वो भी अब एंड होने वाला है क्योंकि नई शुरुआत होने वाली है। व्यूअर्स, पर्पल इज गुड फॉर यू। पर्पल कलर इज वेरी गुड एंड वेरी लकी फॉर यू दीज डेज। आप पर्पल कलर की चीज़ें खरीद सकते हैं या अपने आसपास रख सकते हैं। इफ़ इट इज़ अबाउट पर्पल फ्लावर्स, तो पर्पल फ्लावर्स आप अपने घर में लगा लें, या कुछ ऐसे कलर का कुछ डेकोरेशन कर सकते हैं अपने आसपास। बट पर्पल इज़ वेरी गुड फॉर यू। ओके, तो जो भी ये आपकी लाइफ में आपकी इच्छा पूरी हो रही है, कि आपकी लाइफ अगर अब तक स्टक थी और कोई मूवमेंट नहीं था आपकी लाइफ में, तो वो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एज अ गुड न्यूज़, कि बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स और बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस ख़त्म होने वाली हैं जिनके लिए आप प्रे कर रहे थे कि बस ये ख़त्म हो जाए या मैं इस परेशानी से बाहर आ जाऊं। कब ये समय बीतेगा, क्योंकि आप सोच रहे थे कि हमेशा ऐसा कहा जाता है कि समय एक जैसा नहीं रहता, अगर बुरा वक्त है तो वो भी एक जैसा नहीं रहता। तो आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब ये वक्त ख़त्म होगा, कब ये समय
गुजर जाएगा। तो वही वक्त आ गया है कि कार्मिक साइकिल्स एंड हो रही हैं। ओके, यहां पर व्यूअर्स ये न्यू मून अगेन, न्यू मून इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, यस, चेक कीजिए व्हेन इज द नियरेस्ट न्यू मून। ओके, दैट डे इज गुड फॉर यू फॉर गुड न्यूज। हो सकता है उस दिन कोई खुशी की खबर मिले आपको या कुछ आप अच्छा एक्सपीरियंस करें। ओके, अगला कार, वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जिन भी चीज़ों से आपको डर लगता था, चाहे वो किसी का छोड़कर जाना हो, चाहे आपको कोई नई चीज़ सीखने में, कुछ नया शुरू करने में, या किसी चीज़ के साथ एक्सेप्टेंस में, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने में, कुछ भी अगर डिफरेंट करने में, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने में अगर आप डर रहे थे कि अगर मैं ऐसा डिसीजन तो ले लूं लेकिन अगर मुझसे नहीं हो पाया तो, या फिर कि कुछ डर है आपको कि अगर मैंने कुछ किया यहाँ पर तो फिर मैं इनको खो दूंगा या खो दूंगी, ऐसा कुछ डर हो सकता है, या फैमिली को लेकर कोई डर है, या आपके करियर को लेकर कोई डर है कि अगर मैंने इसको भी छोड़ दिया, ये भी परस्यू नहीं किया और जो मेरा ड्रीम है वो भी फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा, तो एक वो भी डर हो सकता है। तो लग रहा है जैसे आप बहुत सारी चीज़ों से डर रहे थे, जिन भी चीज़ों को लेके आपके मन में डर बैठ गया था, एक फोबिया जैसा हो गया था कि ये हो गया मेरे साथ तो, वो हो गया मेरे साथ तो। यह ऐसा भी हो सकता है क्या आपने आसपास किसी की कोई बैड स्टोरी सुनी, किसी का बैड एक्सपीरियंस सुना तो आप डर गए कि कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो उससे भी आप डर रहे हैं। तो यहाँ पर व्यूअर्स डिवाइन आपको यही गाइड कर रहे हैं कि आपका जो डर है वो आपके सामने आएगा और आप उसे फेस भी करेंगे और उसको विन भी करेंगे। तो आप ऐसा भी सोच रहे हो सकते हैं कि जिस चीज़ से मुझे डर लग रहा है वही चीज़ मेरे इतने पास क्यों आ रही है, क्योंकि व्यूअर्स आपको वो चीज़ आज नहीं तो कल फेस करनी पड़ेगी और उस डर को ओवरकम करना पड़ेगा, वरना वो डर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आप अपने डर को कंट्रोल कर लेंगे या आप अपने डर पर जीत पालेंगे। डर के आगे जीत है ऐसा कहते हैं हम, तो आप उस डर पर जीत पालेंगे, जिस भी चीज़ से डरते हैं उस सिचुएशन को फेस करेंगे और उस सिचुएशन को विन करेंगे, और फिर जब कोई डर नहीं रहेगा तो आप लिमिटलेस बन जाएंगे, यानी कि किसी भी तरीके से कोई आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश नहीं कर सकता, क्योंकि अब आपके मन में ही डर नहीं है। ओके, तो किसी को अगर ज़्यादा डराया जाए या वो बहुत टाइम तक डरता रहे तो एक दिन वो उस डर को फेस कर लेता है और फिर सारा डर खत्म हो जाता है। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ, जिस भी चीज़ का डर है वो चीज़ हो भी जाएगी, आप उसको फेस भी कर लेंगे, हैंडल भी कर लेंगे और बाद में सोचेंगे कि मुझे लगा भी नहीं था कि मैं ये सिचुएशन मैनेज कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, हैंडल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, बट इट विल हैपन। ओके, अभी आपने मैनिफेस्ट किया हो, प्रे किया हो या ना किया हो, लेकिन अगर आपको डर था तो ये तो आपके साथ होने वाला है। ओके, आप जितना डर से भागेंगे उतना वो आपके पीछे भागेगा। ओके, एज सून एज द फियर अप्रोचेज नियर, अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। ओके, एज सून एज द फियर अप्रोचेज नियर, अटैक एंड डिस्ट्रॉय इट। जैसे जैसे डर आपके पास आता जाता है उस पर अटैक कीजिए और उसे ख़त्म कीजिए। ओके, विच मीन्स फेस कीजिए। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने आपसे ये भी कहा था अभी कि आप स्टक थे और लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, चाहे वो मूव ऑन की बात क्यों ना हो, चाहे किसी रिलेशनशिप के, किसी कनेक्शन के ग्रोथ की बात क्यों ना हो कि आगे बढ़ जाए ये कनेक्शन, या फिर आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपकी हेल्थ, ओके, इन एनी एरिया अगर आप स्टक थे, किसी और रीज़न की वजह से भी स्टक हो सकते हैं, तो अगर आप स्टक थे किसी भी सिचुएशन में एक्स वाई जेड, तो ऐसा लगता है दैट योर एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, यानी कि वो वक्त आ गया है, वो परफेक्ट टाइमिंग या मैं कहूँ वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है जब आप प्रिपेयर हैं कुछ नया करने के लिए, और ये बहुत जल्दी होने वाला है। इट्स नॉट लाइक दैट कि अभी है वो टाइमिंग, नहीं, ये रीडिंग इस बारे में है कि बहुत जल्द आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, बहुत जल्द आपके साथ क्या होने वाला है। तो व्यूवर्स बहुत ही जल्द आपकी एनर्जी मोमेंटम गेन करेगी, यानी कि मैंने कहा था ना कि ये जो अनस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है,
वो इसीलिए है कि बहुत कुछ एंड होगा और बहुत कुछ नया होगा, यानी कि एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगिनिंग होगी, यू नो अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, कुछ नया आपके जीवन में होगा, यू नो आप रिफ्रेशमेंट महसूस करेंगे, ताजगी महसूस करेंगे, इसी पुराने जीवन में एक नयापन महसूस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में लग रहा है कि आप जिस भी स्टक एनर्जी में थे या ऐसा फील कर रहे थे बिल्कुल बोर्ड फील कर रहे थे, टायर्ड फील कर रहे थे, लेजी फील कर रहे थे, अचानक से आप अपने अंदर एनर्जी यानी अपने आप को बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करेंगे और अपनी आगे के जीवन के लिए एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसा लगता है कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे मेंटली, फिजिकली और प्लानिंग वाइज, जैसे भी कि आपको आगे बढ़ना है और कैसे बढ़ना है और क्या एक्शन लेना है, यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर सेल्फ। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एनर्जेटिक इतना आप महसूस करने वाले हैं। ओके, मुझे इस डेक से एक कार्ड चाहिए, द रेड डेक। ओके, स्पिरिट्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। Patience, beautiful. I hope you can see this card. Let me show you. Patience का card है viewers यहाँ पे, और ये picture आप देख पा रहे हैं clearly, I hope, कि कैसे ये जो भी lady हैं ये कैसे बैठे हुए हैं, एक well है ये, कुआ उसके किनारे, और पेशेंटली वेट कर रहे हैं किसी सिचुएशन का, किसी अपॉर्चुनिटी का, किसी मोमेंट का, सही समय का। और ऐसा लगता है जैसे इनके हाथ में कुछ यू नो घड़ी है या कुछ ऐसा है जिसको देखकर ये अपने आप को यू नो पेशेंटली कामली हैंडल कर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो हम रीडिंग कर रहे हैं अभी कि आपके कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है बहुत जल्द, तो व्यूअर्स जिस चीज़ की आपने बहुत समय से पेशेंस रखकर वेट किया था, जिस चीज़ के लिए, जिस रिजल्ट के लिए, जिस आउटकम के लिए, जिस न्यूज़ के लिए आपने इसी तरह से पेशेंस रख के यू नो इंतज़ार किया था, तो मुझे लगता है वही चीज़ आपको मिलने वाली है। यस, आपको वो चीज मिलने वाली है जिसका आपने पेशेंटली वेट किया है। आई एम गेटिंग दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट आर यू गेटिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में आपको क्या मिलने वाला है, लेट्स सी। आई वांट टू टेक वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। दिस कार्ड वांट्स टू कम आउट। Act as if your partner is here. Okay. मुझे ऐसा लगता है viewers कि कहीं ना कहीं आप separation में हैं या no contact में हैं और अपने partner को अपनी तरफ वापस attract करना चाहते हैं for any reason। किसी के लिए हो सकता है कि उसे apology चाहिए, माफ़ी, किसी के लिए ये है justice चाहिए, किसी के लिए ये है कि reunion चाहिए, but आप अपने पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि वो भी बहुत जल्दी होगा, लेकिन आपको जो भी चाहिए, जैसा भी आपको आउटकम चाहिए, वैसा आप इमेजिन करना, विजुअलाइजेशन करना स्टार्ट कर दें। सपोज़ जैसे आप एग्ज़ाम में टॉप कर चुके हैं तो आप ऐसा विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दें। ओके, क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करेगा वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप रीयूनियन चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, यू नो फॉर जस्टिफिकेशन, फॉर अपॉलोजी, फॉर रीयूनियन, फॉर एनीथिंग एल्स, तो यहाँ पर आपको जो भी चाहिए वैसा ही विजुअलाइज करना है ताकि जो भी आपकी विश है जल्द से जल्द पूरी हो सके। ओके व्यूअर्स, या चलिए देखते हैं यहाँ पर एक डिवाइन मैसेज और लेते हैं आपकी ओवरऑल सिचुएशन के लिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़,
व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर आपसे मना किया जा रहा है दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज, या फिर आपने अब तक कॉम्प्रोमाइज किया था तो आपसे कहा जा रहा है कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, बाहर आइए उस सिचुएशन से, कॉम्प्रोमाइज करके आप सही नहीं रहेंगे। चाहे आपने जॉब के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, यू नो, या किसी और चीज़ को लेके कॉम्प्रोमाइज़ किया है, अपनी हेल्थ को लेकर भी आप कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो वो भी आपको नहीं करना है, फैमिली की वजह से भी कर रहे हो वो भी आपको नहीं करना है। यू आर गाइडेड टू नॉट कॉम्प्रोमाइज, ओके। यहाँ पर व्यूअर्स ये है, और आगे के लिए भी ये कहा जा रहा है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स और अपनी नीड्स के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ आप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आप जो कह रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो सही है, वैलिड है, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की आवश्यकता नहीं। इट्स अ क्लियर नो फॉर कॉम्प्रोमाइज़, ओके। यस, चलिए, पर्पल इज गुड फॉर यू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। या अगेन ऐसा लगता है पर्पल इज गुड फॉर यू। और जो मून है, मून आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, अच्छा है, यानी कि फुल मून भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। व्यूवर्स, आप एक ऐसी एनर्जी हैं या ऐसी सोल हैं जिसके लिए जो मून वाली एनर्जी होती है, वाइब होती है, द कूल एंड काम वाइब्स, वो भी आपके लिए बहुत ही पीसफुल, बहुत ही यू नो रिलैक्सिंग रहेंगी। तो आप मून के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज यू आर अ इमोशनल एंड सेंसिटिव पर्सन, आई कैन सी। बट दैट डजंट मीन कि जो इमोशनल और सेंसिटिव होता है वही मून के साथ कनेक्ट कर सकता है। इट्स अबाउट द वाइब, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ एनर्जी, इट्स अबाउट द काइंड ऑफ वाइब्रेशन दैट यू हैव, एंड यू हैव दैट वाइब्रेशन विच शोज द कनेक्टिविटी यू हैव इज वेरी स्ट्रांग विद द मून। Yeah. तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाइए ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँगी सबसे पहले वो आप तक पहुँचेगा। व्यूअर्स, ध्यान रखें इस बात का, स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, ओके। मैंने यूट्यूब पर कोई भी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है। अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई भी मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट्स में आपको देता है कोई भी, तो उसका विश्वास ना करें, चाहे फिर वो मेरे चैनल के नाम से, मेरे नाम से क्यों ना हो, विश्वास ना करें कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का, ओके। वो एक फ्रॉड हो सकता है, स्कैम हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, ओके। व्यूअर्स, कमेंट करके अपने एक्सपीरियंसेस भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे अगर आपका एक्सपीरियंस, जो भी आपने कमेंट किया है, वो कोई और अगर पढ़ता है तो हो सकता है वो इंस्पायर हो सकता है, उसे कोई हेल्प या कोई गाइडेंस मिल सकती है, ओके। और ये तो बताना है ही आपको कि कितने परसेंट रेजोनेट हुई है, कितनी हेल्पफुल रही है, ओके व्यूअर्स। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, ओके। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।